मैं यहाँ पे आमंत्रित करूंगा जेसीआई लावण्या से कि वो मैं निवेदन करूंगा आलोक सराव जी से कि वे भी मंच पर आए और दीप प्रज्वलन में सहयोग प्रदान करें। संदीप जी जैन जो इस दिगंबर जैन पवित्र औषधालय सोसाइटी के मंत्री जैन और समस्त तमाम तरह के लोगों को जो असहाय और गरीब लोग हैं उन लोगों को यहाँ निःशुल्क दवाइयाँ भी मिलती है, चाहे वो एलोपैथी में होम्योपैथी पूरे कोरोना काल में हम लोग यहाँ पर भी बैठे हैं। जैसे कि आरोग्य धाम में हम लोग पिछले 15 साल से कोरोना में भी हम लोगों ने निःशुल्क दवाई प्रदान करी है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य आज का ये है हृदय संबंधी बीमारियों के लोगों को जागरूक किया जाए, न्यूरो संबंधित बीमारियों के लोगों को जागरूक किया जाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, एकदम से ब्रेन हेमरेज हो जाता है, सडनली कोमा में चले जाते हैं, पैरालिसिस हो जाती है, इनका घटनाएं ना हो। आज बच्चा पैदा हो रहा है उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, 35 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक हो जा रहा है। आज यहाँ पर काउंसलिंग की जा रही है, ECG किया जा रहा है, निःशुल्क ब्लड प्रेशर की जाँच की जा रही है और लोगों को भविष्य में हृदय संबंधी बीमारियों से मृत्यु दर में कमी आए इसलिए निःशुल्क होम्योपैथिक और हार्ट का कैंप यहाँ आयोजन किया जा रहा है। और फॉलो अप में मेदांता की टीम हर महीने यहाँ पर हमारे आए हुए मरीजों को फॉलो अप भी करती रहेगी, यहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जा रही है। 450 ज्यादा इंस्टीट्यूशन कल शाम तक हो गए थे, हम समझते हैं 700 ज्यादा अभी हो गए हैं और ये कैंप अभी कल भी चलेगा, तो हम समझते हैं 1000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर निःशुल्क कार्डियक और निःशुल्क ब्यूरो की OPD कंसल्टेशन किया जा रहा है। साथ में हम लोग बैठे हैं।